देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। कोरिया पुलिस की विशेष पहल, जिले का पहला बाल सुलभ पुलिस स्टेशन किया गया स्थापित। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक श्री चंद्र मोहन ने कहा कि जिले के सभी पुलिस स्टेशनों को बाल अनुकूल बनाया जाएगा। जगरा खाड के इस बाल सुलभ पुलिस स्टेशन के बारे में उन्होंने कहा है कि पुलिस स्टेशन में बच्चों के मनोरंजन के लिए अलग स्थान है और साथ ही एक नामित बाल कल्याण अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा बच्चे से संबंधित अपराधों के नियंत्रण के लिए सिविल ड्रेस में एक महिला कर्मचारी भी नियुक्त की गई है। सभी अधिकारियों का व्यवहार बाल अनुकूल है। पुलिस स्टेशन ने लंबित मामलों की दर को घटाकर 1.2% कर दिया है और जिले के में 57% लापता बच्चों को खोजने और बच्चों के खिलाफ अपराध को कम करने में सफलता हासिल की है। चंद्रमोहन ने कहा कि जिले के शेष 11 पुलिस स्टेशनों की भी बाल अनुकूल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में अभिनव छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रम जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के प्रमुख जॉब जकरिया ने कहा कि बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी मामलों में पुलिस संपर्क का पहला बिंदु होता है और इसलिए वे बाल विवाह, बाल श्रम, बाल यौन शोषण, बाल तस्करी और बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस पहल से पुलिस और समुदाय के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। पुलिस स्टेशन में बाल सुलभ वातावरण विकसित करना और उन्हें सुरक्षित महसूस करवाना इस अभिनव बाल सुलभ पुलिस पहल का मुख्य उद्देश्य है। इस पहल के तहत पुलिस स्कूलों का दौरा करेगी और बच्चों के साथ बातचीत कर उनकी शिकायतों को सुनेगी। पुलिस के कार्यों और भूमिकाओं के बारे में बेहतर जानकारी देने के लिए बच्चों को पुलिस स्टेशन का दौरा करवाया जाएगा। जगरा खड्डा खांड पुलिस स्टेशन के SHO विजय सिंह ने कहा कि इस पहल से हमें महिलाओं और बच्चों को सहज और सुरक्षित महसूस करवाने में और उन्हें पुलिस से मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिली है। यहाँ के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी संवेदनशील रूप से महिलाओं और बच्चों को शिकायतों का समाधान करने में सक्षम है। राजेश सोनी, रंजीत सिंह, DC बघेल, अशोक कुजूर, सुरेश मिनोचा सहित मीडिया कलेक्टिव फॉर चिल्ड्रन चाइल्ड्स राइट MCCR के सदस्यों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। छत्तीसगढ़ से सुरेश मिनोचा की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। बच्चों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए और बच्चों का अधिकार का उल्लंघन होता है, पुलिस का एक महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जब वो उल्लंघन होता है पुलिस सबसे पहले संपर्क का बिंदु पुलिस होता है। तो अगर एक क्षेत्र में, एक जिला में, एक राज्य में बच्चों का हिंसा रोकने के लिए, बच्चों का बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल अपराध, बाल यौन शोषण, ये सब रोकने में पुलिस का एक रोल है। सो ये सराहनीय एक इनोवेटिव है। इस जिला में एक बाल मित्र पुलिस स्टेशन का गठन हुआ है। ये पूरा राज्य के लिए एक नमूना है, एक उदाहरण है। हम चाहते हैं, यूनिसेफ चाहते हैं इसी तरह का पुलिस स्टेशन, 400 पुलिस स्टेशन है छत्तीसगढ़ में, सब इसी तरह एक बाल मित्र पुलिस स्टेशन बने। और ये बाल मित्र पुलिस स्टेशन का मतलब ये है, उधर चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर और वो जो माहौल होना चाहिए, बच्चों के लिए एक स्पेस होना चाहिए खेलने के लिए और TV देखने के लिए एक स्पेस होना चाहिए, और माहौल बच्चों का बाल मित्र माहौल होना चाहिए, और इससे अलावा बच्चों का अधिकार का सुनिश्चित होना चाहिए। हमने सुना है इस थाने में बाल अपहरण का वो केसेस कम हो रहा है और इस तरह का वो जो
बाल अपराध को वो जो केसेस भी कम हो रहा है। सो ये एक मॉडल है। अगर बात करें पूरे छत्तीसगढ़ की तो बहुत सारे थाने हैं, और सड़क हर थाने की बात करें तो क्या ये मॉडल थाना कह सकते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, जो एक उदाहरण देता है कि बच्चों की और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार से जरूर किया गया। जरूर, ये इसलिए जो हमने सुना वो SHO साहब ने वो जो फैक्ट डेटा दिया था, सो ये पूरा छत्तीसगढ़ के लिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, पूरा देश के लिए भी एक नमूना है, एक नया एक बिगिनिंग है। लेकिन हम चाहते हैं सभी थाना इसी तरह का बाल मित्र थाना हो। बाल मित्र थाना बनाया गया, आज यूनिसेफ से भी दौरे पे आए हुए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जॉब जकारिया सर जो कि यूनिसेफ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पे दिया हम लोगों को, उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर से चर्चा के बाद ही ये चीज़ इस ज़िले में लागू करने का विचार आया था कि कोई एक थाना हो ऐसा जिसको मॉडल के रूप में डेवलप किया जाए, जो कि बच्चों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हो और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत ही बिल्कुल चाइल्ड फ्रेंडली रहे। इस उद्देश्य के साथ झकराखंड थाने को एक चाइल्ड फ्रेंडली थाने के रूप में डेवलप किया गया है।